Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये प्रकृति का नियम है, ऐसे ही इंसानों में भी होता है। लेकिन इंसान में बड़ा छोटा कौन बनाता है? पैसा। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो बड़ा होता है, और जिसके पास नहीं होता वो छोटा है। लेकिन यहां क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि छोटी मछली ने बड़ी मछली को खा लिया, ये सच नहीं है। सच बड़े छोटे का मोहताज नहीं होता, सच सच होता है। सच यह है कि हमारी बेटी एक सादी जिंदगी जी रही थी, कॉलेज जाती, कॉलेज से सीधा घर आती। फिर इनका संस्कारी बेटा वीर हमारी बेटी के पीछे पड़ गया। जहां हमारी बेटी जाती वो पीछे पीछे घूमता रहता। वो कॉलेज जाती वो कॉलेज पहुंच जाता, वो घर आती वो घर आ जाता। दोस्ती के बहाने उसने हमारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। फिर हमारी बेटी ने उसकी दोस्ती मान ली। फिर उसके बाद उसने झूठ बोलकर धोखे से हमारी बेटी को उस घर में बुलाया अकेले, और इसे कहते हैं फंसाना। ये सब बकवास है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो क्या हमारी बेटी ऐसी है? वो आपको पता होगा, लेकिन आपकी बेटी के पास ऐसा करने का कारण था। उसके सामने एक खानदानी, एक पैसे वाला, एक अच्छा लड़का था। और आपने भी सोचा होगा कि एक छोटी सी लॉन्ड्री से चार औरतों का पेट कब तक भरेगा। मोटी मछली है, जाल फेंक देता है, पर आपने जाल फेंक दिया। आपने और आपकी बेटी ने क्या सोचा कि वो वीडियो देखने के बाद हम डर जाएंगे हैं? और आपकी बेटी को अपने घर में गृह प्रवेश करने देंगे? नहीं अपराजिता जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा महावीर को कभी माफ नहीं करेगी, महावीर से कभी नहीं मिल पाएंगे पापा, कभी नहीं। ऐसे मीडिया के सामने बहस करेंगे ये दोनों, नुकसान छवि को ही उठाना पड़ेगा। वीर के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा? सुनील बाबू देखिए, ये हमारे आपस की बात है, हम सुलझा लेंगे। ये हमारे घर का मामला है, आप लोग प्लीज। का मामला था पर अब नहीं है बाबू, प्लीज यार। ये बात अब सबके सामने है। जब हमारी इज्जत का तमाशा सबके सामने उड़ाया जा रहा है तो हम घर में बैठ के जवाब देंगे? बात को समझो, ये जब सच जूते पहनकर बाहर निकलने को होता है ना, तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूमकर वापस आ जाता है। इस झूठ को हम और घूमने नहीं देंगे। और आपने क्या कहा कि हाँ हमारी एक छोटी सी लॉन्ड्री है जिससे शायद चार औरतों का पेट ना भरे, लेकिन कभी भूखी नहीं सोई। मुझे तो शर्म आती है कि मैं उनका बेटा हूं, पर जो आपने कहा वो बिल्कुल करेक्ट था आंटी, पर एक चीज सही नहीं है आंटी। मैं छवि के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे खुश नहीं रख सकता? इस बात की गारंटी मैं देता हूं, खुद वीर, कि मेरे साथ छवि बहुत खुश रहेगी। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, और इस वक्त बिल्कुल नहीं करनी। तुम जाओ यहां से। अच्छा है, तुम्हें हर काम अपने तरीके से करना होता है। ये भी अच्छा है कि तुम्हें छवि की खुशियों की फिक्र है। ऑफ कोर्स होगी, मां हो तुम उसकी, लेकिन बात जब छवि की खुशियों की आती है, इन दोनों बच्चों की खुशियों की आती है, तो तुम इसमें रोड़े क्यों डाल रही हो बीच में? इतनी छवि की डिग्निटी की, उसकी इज्जत की परवाह मुझे भी है, और शायद आज जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था। छवि का नाम क्लियर हो गया है, उसे कॉलेज में फिर से एडमिशन मिल गया है, ग्रेट। लेकिन ये भी तो देखो कि छवि की इसमें खुशी है, इस लड़के से वो शादी करेगी तो दोनों खुश रहेंगे। कैसे पता वो उसके साथ खुश रहेगी? अरे रॉकेट साइंस थोड़ी है, अपने पसंद के लड़के से शादी करे तो खुशी रहेगी ना। अपनी पसंद की शादी कर लेने से ही खुशी नहीं मिलती है। इस दुनिया में कईयों ने पसंद की शादियां की हैं, ये सारे खुश हैं। खुशी
खुशी वहां मिलती है जहां इज्जत मिलती है, और हमारी छवि उसी घर में जाएगी जहां उसे इज्जत और सम्मान मिलेगा। और अभी हमें उसकी शादी की वैसे भी कोई जल्दी नहीं। आई रियली होप कि तुम जैसा सोच रही हो, जिस उम्मीद में बैठी हो ना, छवि के केस में वो सही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना प्राजिता, तो मेरी छवि टूट जाएगी, बिखर जाएगी वो लड़की, और उसकी जिम्मेदार होगी उसकी मां। तुम अपराजिता इस बार संभल के, बात मेरी छवि की खुशियों की है। रोज चिल करना यार, तू हर बात में इतना टेंशन क्यों लेता है? बहुत ड्रामा किया है यार अपराजिता ने वहां पे, स्टेज पे चढ़ गई, मीडिया के सामने बोल रही है, और वीर के डैड का भी इंसल्ट कर दिया उसने। छवि और वीर की शादी का जो आखिरी रास्ता खुला था ना, उस पे भी उसने रोड़े डाल दिए हैं। चल, ये ना मेरी कुछ ज्वेलरी है, अब घर पे इतनी ही है, बाकी मैं बैंक के लॉकर से निकलवा दूंगी, ठीक है? एंड लिसन, तुम भी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले थे ना, उसे थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख दो प्लीज। ठीक हो तुम? क्या बोले जा रही हो तुम? नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। अब हमें छवि की शादी तो करवानी है, राइट? तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ना, पैसे चाहिए होंगे हमें। इतने बड़े स्कैंडल में उसका नाम आया है यार, उसके बाद कोई अच्छा लड़का क्यों उससे शादी करेगा? यूं ही हमें कोई तो कीमत चुकानी होगी, राइट? एंड चुकानी भी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारी बेटी है, वी मस्ट। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सौदा करने के लिए कह रहे हो मुझसे मेरी बेटी का? नो नो नो, नॉट एट ऑल। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। देखो, अभी जो अपराजिता ने किया उसके बाद वीर और छवि की शादी तो होने से रही थी, जान चार लोगों का मुंह बंद करने से पूरी दुनिया थोड़ी ना चुप हो जाएगी। अब तुम अपने आप को ही देख लो, 15 साल बाद भी लोग भूले कहाँ हैं कि तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। जानता हूं मैं सब, यहां के लोगों को भी जानता हूं और उनकी मानसिकता को भी जानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी बेटी की खुशियों को दांव पे लगा दूं, बिना उसकी मर्जी के उसकी कहीं शादी करा दूं। नहीं। हाँ, पर हाय, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी मैं। ओ, ये मेरे नसीब को क्या हो गया है? तुम्हें पता है आज तक मेरे फोन पे इतने मैसेजेस, इतने कॉल किसी लड़की ने नहीं किए जितने तुमने एक दिन में कर दिए। वैसे अर्ज किया है, कभी हम खुद को देखें तो कभी अपने फोन को, और फोन में जब भी देखे सिर्फ तुम्हें देखे। बस ऐसे शायरियां सुनाते रहना दूर से, मिलना मत कभी। तुम बोलो तो आ जाऊं अभी मैं। अरे सब मजाक छोड़ो, वैसे तुम्हें पता है ना मुझे वीर से मिलना है, मुझे उसकी मदद की बहुत जरूरत है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ तो ठीक है, कल शाम 4 बजे तुम मेरे घर आ जाना। कैफे टाइम, आई मीन कॉफी। हाँ, वहाँ की कॉफी मुझे बहुत पसंद है, वहीं मिलते हैं, ठीक है? कैसे मिलूं मैं उनसे, पहचान लेगा मुझे? बेस बदल के जाना पड़ेगा, छवि दी के फ्यूचर के लिए हमें उस लड़के से मिलना ही पड़ेगा। वीर, कहाँ हो तुम? तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी? हम जानते हैं उस दिन कॉलेज की कैंटीन में तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, पर माँ ठीक कहती है,
कि हमें अपना ख्याल रखने खुद आना चाहिए। हर बार तुम या माँ नहीं रहोगे ना हमारे साथ, हमारा ख्याल रखने। तुम्हारी माँ का तो पता नहीं, लेकिन वीर तुम्हारा हर पल ख्याल रखेगा छवि। और रही बात कॉलेज की, तो आज से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। ना ही वो लड़के तुम्हें दिखेंगे और ना ही तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे। और क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? पर माँ से क्या कहेंगे हम? वो चाहती है हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। कहा ना नहीं जाओगी तुम कॉलेज। तुम मुझसे प्यार करती भी हो कि नहीं? बोलो छवि। हाँ करती तो है। तो बस हो गया फैसला, कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की। घर में बहाना बना दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ये मॉम लोग चाहे जितना भी स्ट्रांग बन जाए, बच्चों की तबीयत के मामले में बिल्कुल पिघल जाते हैं। तुम सुन भी रही हो मेरी बात छवि? हाँ। तो बस बात तुम मेरी नहीं सुन रही हो छवि। छवि तुम बहुत साफ, मैं नहीं चाहता कि लोगों की नजरें तुम्हें मैला करते। तुम सिर्फ मेरे लिए बनो, सिर्फ मेरे लिए। आज हमें किसी ने भी बुरी नजर से नहीं देखा। हम माँ का दिल नहीं तोड़ सकते। अगर वो चाहती है कि हम कॉलेज आए तो हमें आना होगा। माँ का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन मेरा तोड़ सकती हो। वाह छवि वाह, यही है ना तुम्हारा प्यार? अगर यही है तुम्हारा प्यार तो उस दिन मुझे मरने से बचाया क्यों? छवि मुझे प्यार करती हो हाँ कि ना? I love you, I love you, I love you, Veer. Veer यहाँ फिर से आ गया? हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, पर क्या तुम सच में हमारे इस रिश्ते की इज्जत करते हो? हमारी इज्जत करते हो? अगर हाँ तो हमें लोगों की नजरों से बचाने के लिए दीवारों के पीछे छिपकर बैठने को नहीं बोलते, बल्कि उस आदमी को जाकर ढूंढते जिसने सबके सामने हमारी इज्जत उछाली, जिसने वो MMS बनाया और उसे वायरल किया। हमारी माँ ने लड़ी है लड़ाई हमारी इज्जत के लिए। उन्होंने हमें घर में बैठने को नहीं कहा, बल्कि खुद घर से बाहर निकली और अपनी इज्जत उन्होंने हमें वापस दिलाई। हम मानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो वीर, पर आज के बाद अपने प्यार को हमारी माँ के प्यार से कभी कंपेयर मत करना। भोलेनाथ, अच्छा हुआ जो हम यहाँ पर आए,
अगर आपने हमें कॉलेज नहीं भेजा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी छवि कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई। अब हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन शहर में दंगा फैलाने वाले लोगों में से एक पकड़ा गया है और उसी ने साइबर कैफे में जाकर वीडियो अपलोड करने की बात कबूल की है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मोहिनी है तो सब पॉसिबल था। आपको क्या लगा था भैया आपकी बहन इतनी स्टूपिड है कि इतना बड़ा कांड अपने हाथों से करेगी? इसमें वीडियो है, अपलोड करके वायरल करना है। डोंट वरी, अगर तुम पकड़े भी गए तो उतनी सजा नहीं मिलेगी जितने मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं। इतने काफी है राइट? एक और बात, ये वीडियो अपने मोबाइल या पर्सनल लैपटॉप से अपलोड नहीं करना, किसी साइबर कैफे जाके करना। वाओ बहना, यू आर अमेजिंग। तुम्हारी प्लानिंग की तो दाद देनी चाहिए। यू नो व्हाट बहना, आई एम सॉरी, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे इंटेलिजेंस के बारे में कहा, आई टेक इट बैक। लेकिन बहना एक बात है, जब मैंने तुम्हें पहले कहा कि पुलिस वाले साइबर कैफे में पहुंच गए, तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई थी, और वो भी सब कुछ सेट करने के बाद? भैया पिछली बार सांप को यूज किया था, उसने धोखा दे दिया, तो इस बार सोचा इंसान को ट्राई करती हूँ। अब इंसान है तो थोड़ा टेंशन तो बनता है, राइट? राइट। बट यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। मैंने उस आदमी को जो पैसे दिए उससे उसने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने उसे करने को कहा था। मनी ब्रो, मनी। दैट्स ट्रू। जानवर रिश्वत नहीं लेता, इंसान रिश्वत लेता है। This time it had to work. Fantastic, बहना। लेकिन फिर भी तुम्हारी मेहनत तो बेकार गई ना। अपराजिता ने छवि को बदनाम होने से बचा दिया। अपराजिता की एक छोटी सी जीत जल्द ही उसकी बहुत बड़ी हार विटनेस करेगी। वीर और छवि की शादी तो मैं करवा के रहूंगी एनी हाउ, एंड देन अक्षय एंड अपराजिता फॉल आउट फॉर एवर। भैया आपको नहीं लगता कि आपकी बहन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट प्लेयर बन रही है? चल जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग शुरू करो, हमें शहर छोड़कर जाना है। क्यों मम्मी? शहर छोड़ के जाना है? ऐसा क्या हो गया माँ? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या माँ? माँ आप हमें इतनी टेंशन दे रहे हो और चाय पी रहे हो, बताओ ना क्या बात है? हम चाय इसलिए पी रहे हैं कि कोई अच्छी खबर देने से पहले ना मुंह मीठा करना चाहिए। कौन सी अच्छी खबर माँ? अच्छी खबर ये है कि हम सब के सब कल ऋषिकेश जा रहे हैं घूमने के लिए। ऋषिकेश? वो तो बहुत सुंदर जगह है माँ। मम्मा इसे अचानक क्यों? बेटा जो अचानक होता है ना वही अच्छा होता है। हमको प्लान मिल गया अच्छा, 3 दिन 2 रातों का, इसलिए हम सब जा रहे हैं। अरे वाह, आज तो 2 अच्छी खबर हो गई। 2 अच्छी खबर? अब दूसरी अच्छी खबर कौन सी है माँ? मम्मा वो मैंने बताया नहीं, हम आपकी वेट कर रहे थे। तो ठीक है, दूसरी खबर हम दे देते हैं। गुड़िया
पुलिस ने उसे ढूंढ लिया जिसने वो वीडियो फैलाया था। हाँ बेटा, और उसने पुलिस के सामने बोल भी दिया कि तुमने कुछ नहीं किया था। हम तो जानते ही थे बेटा, अब सारी दुनिया जान जाएगी। और पुलिस ने कहा है कि वो नेट से ना वो सारे वीडियो भी हटा देंगे। वाह, ये सब तो आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया अम्मा। हमारी वजह से नहीं बेटा, ये सब वो करता है, भोलेनाथ। हर इंसान को ना अपने हिस्से का दुख भुगतना ही पड़ता है, ये सब उन पर होता है, किसको दुखों से बाहर निकालते हैं, किसका बेड़ा पार करते हैं। और जब बुरे वक्त में हम दुख मनाते हैं तो अच्छे वक्त में खुशियां भी तो मनाएंगे ना, है कि नहीं? हाँ बस बेटा बस, अब और आंसू नहीं। लेकिन प्रॉमिस करो कि हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर में तुम मुझे कॉल करती रहोगी। अपनी जान के लिए जान को दूर जाने दे रहा हूं, तुम्हारी बहुत याद आएगी चल, बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। एक बात याद रखना चल, कि दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। छवि दी आप क्या कर रहे हो, खोलो दरवाजा। दरवाजा वो आंख लग गई थी। ठीक है माँ, वो वीर को लास्ट मोमेंट पर पता चला ना कि हम जा रहे हैं, तो वो बस जानना चाहता था कि हम कहाँ ठहरने वाले हैं, वहां मोबाइल नेटवर्क होगा या नहीं। वैसे हम कहाँ रुकने वाले हैं ऋषिकेश में? हमने उसे कह दिया कि वहां नेटवर्क है, और फिर वहां जाके पता चला कि नहीं है, तो बेकार में परेशान हो जाएगा बेचारा। बेचारा? उस बेचारे को पता है ना कि तुम अकेली नहीं जा रही हो, अपनी माँ के साथ जा रही हो। हाँ माँ, पर विश्वास नहीं है तुम पर, वीडियो कॉल के बहाने तुम पर नजर रखना चाहता है। नहीं नहीं, वो केयर करता है ना हमारी, उसे चिंता हो रही होगी बस। क्यों चिंता करता है, इतने साल तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही पाला ना, ठीक थी तुम? अभी 3 महीने में आकर उसे तुम्हारी माँ से ज्यादा चिंता हो गई। ये चिंता नहीं है बेटा, ये विश्वास की कमी है। उसे लगता है 3 दिन के लिए तुम जाओगे तो क्या पता उसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि जो प्यार करता है वो अगर तुम हफ्तों भी अलग रहो ना फिर भी तुम्हें प्यार करता है। इसे विश्वास नहीं कहते बेटा, इसे पागलपन कहते हैं। ऐसा नहीं है माँ, वो सच में हम पे विश्वास करता है। विश्वास करता है तुम पर, और तुम्हें विश्वास है इस बात का, तो ठीक है
साबित करो। और हमको नहीं, खुद को साबित करो बेटा। लो कर दो स्विच ऑफ 3 दिन के लिए, जब तक तुम ऋषिकेश में हो। फिर देखते हैं जो हम जानते हैं वो सही है या जो तुम मानती हो वो सही है। प्रॉमिस करो तुम मुझे कॉल करती रहोगी। कर दिया फोन बंद मां। तुम्हारे लिए भी ये यहां रख रहा हूं मैं। ओह वाओ, दिस इज सो कूल। कूल ऐसे कूल नहीं है, बहुत हॉट है ये। मतलब पेपर स्प्रे ना आंख में चला जाए तो जल जाता है आदमी। ये सेल्फ डिफेंस के लिए, तो इसे ध्यान से रखना। अगर सामने की साइड कोई हो, कोई डेंजरस हो, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट लाइक सेल्फ डिफेंस, लाइक अ गन। गन हम सबके लिए सेपरेट सेपरेट। यस, थैंक यू सो मच पापा। पेपर स्प्रे हम सब के लिए तो ले आए, आंटी के लिए नहीं लाए? तुम्हारी आंटी को पेपर स्प्रे की जरूरत कहाँ है, वो तो खुद चलती फिरती पेपर स्प्रे है। हाँ मतलब कोई अगर उल्टी सीधी बात करो तो ऐसे फट से देखती है सामने आके फाड़ के अगला बंदा ऐसे ही जल जाए। ये वाली सॉरी बच्चिया ऐसे ही। चलो सारा सामान कार में रखना है। तुमसे क्यों पूछते वीर, माँ के साथ जाने के लिए भी हमें किसी से पूछना पड़ेगा। हेलो अपराजिता, छवि का रिश्ता किसी और से करवाने उसे ऋषिकेश ले गई है क्या? हाँ वीर, आइडली मुझे तुम्हें ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए, पर मैं जानता हूं कि तुम छवि से कितना प्यार करते हो। देखो वीर, मैं और तुम्हारे पापा बहुत करीब हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए प्लीज उन्हें मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बातें बताकर तुम्हारी हेल्प की है। और क्या जानते हो? कौन है वो लड़का? I really don't know, वीर। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये ऋषिकेश का ट्रिप तो सिर्फ एक बहाना है। अपराजिता वहां छवि का रिश्ता पक्का करने गई है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम छवि की लाइफ में रहो। बात समझ रहे हो ना? छवि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। आंटी कैसे कर सकते हैं ये मेरे साथ? मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। हेलो हेलो,
डार्लिंग आई लव यू सो मच। और फिर वही वीरो उसी फिल्म में दो बार प्यार करता है, दो बार शादी करता है। व्हाट नॉनसेंस, ये सब ना फालतू की चीजें होती है। प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। मैं तो खुद ही भूल गई थी कि दिशा दी के अंदर वो डो नॉट एंटर वाला बोर्ड है ना, उनका एल से मतलब होता है लपड़। अब तो दूर दूर तक नहीं है उनके डिक्शनरी में। चुप करना, थप्पड़ दूंगी। नहीं बेटा, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ, अगर गलत इंसान से हो जाए तो तकलीफ होती है। अगर किसी सही इंसान से हो तो प्यार से ज्यादा खूबसूरत कोई जज्बा ही नहीं है। और कितना टाइम पहुंचने के लिए? एक घंटा। भगवान करे वो सही सलामत हो और मिल जाए हमें घर पर। वीर के बारे में हमें सब पता चल सके। मम्मा, वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? हमने सुना था कि ना यहाँ पर बहुत अच्छी झील है, तो सोचा कि वो झील भी देखते चले, तो आ गए यहाँ पर। देखो कितना सुंदर है ना। अच्छा अच्छा सुनो, तुम लोग थोड़ी देर यहीं बैठो, देखो खाओ पियो आराम करो, हम जरा काम है करके आते हैं। पर मां, आपको यहाँ इस एरिया में क्या काम है? यहाँ में ना, यहाँ हमारी एक कस्टमर रहती हैं, वो नोएडा में एक होटल खोल रही हैं, तो बस हम सोच रहे हैं कि जाकर उनसे मिल लें और उनसे कह दें कि होटल में जो भी लॉन्ड्री निकलेगी वो हमारी लॉन्ड्री को ही दें। इसलिए सोच रहे हैं कि मिल आते हैं। हाँ, तुम लोग यहीं रहना, ज्यादा दूर तक मत जाना, ठीक है? दिशा बेटा, तुम चलोगे हमारे साथ? हाँ मम्मी। ठीक है आंटी, ये लेक वैसे भी बहुत प्रिटी है, आप टेंशन मत लो, हम अच्छे से रहेंगे। कितना दूर है यहाँ से? 5 मिनट। 5 मिनट, चलो। अच्छा, और अगर ठंड लगे ना तो जैकेट कार में है, ले लेना। आते हैं हम। मुझे ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। साबित करो, कर दो सोचो, जब तक तुम ऋषिकेश में हो। तुम डायरी नंबर 1 तो बन गए, बस बीवी नंबर 1 के ज्यादा करीब तो नहीं जा रहे हो। ये सोच सोच के जान निकल जाती है मेरी। ऐसे मत सोचो ना, 15 साल पहले जब मैं इन लोगों को छोड़कर आया था तो सीधा तुम्हारे पास आया था ना, आज भी मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये तो बस बच्चियों के करीब जा रहा हूं मैं, और इत्तेफाकन अपराजिता वहीं पर है। वैसा तो है नहीं कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूं या यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और फिर इस बात को तो हम नजरअंदाज कर भी नहीं सकते हैं कि मेरी 3 बेटियों की मां अपराजिता है। सो जस्ट होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ तुम।
सॉरी। जाओ जाओ उनके पास। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मोहिनी? हाँ जान, क्यों? नहीं ऐसे ही। I'm fine. चलता हूँ मैं। कितनी अच्छी जगह है ना। मैं तो सोच रही हूँ हमें ना यहाँ पे 1 or 2 hours ज्यादा रुकना चाहिए, कितना फन आएगा। हाँ काश ऐसा हो पाता, पर मम्मा तो यही कहेंगे ना कि हमें रात से पहले ऋषिकेश के लिए निकलना है। पर इन लोग रह कहाँ गए, इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्हें? दिशा दिशा दिशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तुम्हारे तुम्हें कितना पसीना आ रहा है? यहाँ तो इतनी गर्मी भी नहीं है, फिर सब ठीक तो है ना दिशा? छवि दी, मुझे आपको कुछ बताना है। वो लोग तो अभी तक वही है, मूव नहीं हुए। एनिया लिसन डार्लिंग, मैं देख रहा हूं तुम लोग अभी वहीं पर हो और मुझे वहां पहुंचने में तकरीबन 1-1.5 घंटा और लगेगा। कुछ भी हो जाए मेरे आने तक ना तुम सबको वहीं रोक लेना। अपराजिता अगर चलने को कहे तो कोई भी बहाना बना लेना, बट जस्ट डोंट लेट देम लीव, डोंट लीव फ्रॉम देयर। मैं पहुंच रहा हूं जल्दी। ओके बाय डार्लिंग, लव यू। वीर को तो हमने उनके पीछे भेज दिया, हमारे दूसरे प्लान का क्या हुआ? चिल, दूसरा प्लान शुरू हो चुका है अक्षय के साथ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुमको? क्या है? I'm so sorry sir. एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपकी, प्लीज। क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली जो आगे सर्कस लगा हुआ है ना, मैं उसमें काम करती हूँ। यहाँ पे किसी काम से आई थी पर आगे जाने की बस ही नहीं मिल रही। आप मुझे आगे वाले बस स्टॉप पे छोड़ देंगे प्लीज? अगर मैं नहीं गई ना तो शो स्टार्ट ही नहीं होगा। I'm sorry, लेकिन मैं यहीं से राइड मार रहा हूँ, मैं सीधा नहीं जा रहा हूँ। सॉरी। प्लीज सर, आपके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने से 2 लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। 2 लोग? ये क्या है? मतलब कौन कौन है आप? मैंने तो बचपन में सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेले हैं, हाइड एंड सीक कभी खेला ही नहीं। वो लोग अक्षय तक पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें लगता है कि जैसा तुमने उन्हें करने को कहा है वो लोग कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, इतने पैसे फिजूल में थोड़ी ना दिए उन्हें। वो लोग ऐसा माया जाल बिछाएंगे कि हमारे दोनों प्लान एक साथ वर्क करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कसम से। किसने कहा कि चुपा चुपी सिर्फ बचपन में खेल सकते हैं? चुपा चुपी खेलने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जाओ खेलो। थैंक यू आंटी, यू आर द बेस्ट।
मम्मी आजकल आप निया की बहुत साइड ले रहे हो। चलो ना चलो, लेट्स प्ले, चलो चलो चलो। अरे पागल, हम थोड़ी जाएंगे, पेड़ के पीछे छुपते अच्छे थोड़ी लगेंगे। किसी ने तो कहा था कि ये छुपन छुपाई खेलने के लिए उम्र तो नहीं होनी चाहिए, ये तो बच्चे भी खेल सकते हैं, सब खेल सकते हैं। हम नहीं खेल रहे। मम्मा आप नहीं खेलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। छवि दी चलो ना हमारे साथ खेलने। नहीं हमारा मन नहीं है। आपका मन नहीं है तो क्या हुआ, हमारा तो मन है ना आपके साथ खेलने का। दी प्लीज चलो ना। मम्मा बोलो ना छवि दी को चलने। खेलेगी खेलेगी, पहले तुम सब बैठ के कुछ खा लो उसके बाद खेलेंगे। आओ बैठो चलो। अरे ना मुराद, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई खोलो, कोई है? अम्मा अम्मा, घर की बाकी पुरानी चीजों के जैसे ना ये दरवाजा भी पुराना ही हो गया है, इसलिए बेचारा जाम हो गया है। ओहो आपका फोन तो बाहर है, अब आप अंदर टाइम पास कैसे करेंगी? सब पता है हमें, जान बुझ के खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। अरे दरवाजा जाम नहीं हुआ है, तुम्हारा दिमाग जाम हो गया है। दरवाजा खोला कह देते हैं। वरना क्या करेंगी आप, अपने बेटे से मेरी कंप्लेन करेंगी? पर कैसे, वो तो ऋषिकेश में है ना, वहां तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। हाँ अगर अंदर आपको अकेले कुछ हो गया तो। बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।